हैदरगढ़ सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने निर्मला चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। निर्मला चौधरी आज हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने चुनाव की क्या रणनीति तैयार की है। निर्मल जी, सबसे पहले तो आपका ईटीवी भारत में स्वागत है। क्या समस्या है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में बहुत समस्या है। जैसे कि कोई विकास नहीं हो रहा, कोई रोडे नहीं सही। जैसे ले लीजिए जैतपुर और कोठी, बहुत गड्ढे हैं और बहुत बार नपाई हुई, आज तक रोड नहीं बनी और ना ही रोजगार लड़कों को मिल रहा है। बाहर बेचारे काम करने जाते हैं, चोट खा के आते हैं, कोई विकास नहीं हो रहा। इसीलिए माननीय प्रियंका गांधी जी ने हमको चुना, टिकट दिया कि हमारे यहाँ विकास हो। और हम चाहते हैं कि हमको अगर जनता विकास के लिए चुनी है तो हमको जिताएगी, अगर जनता तो हम यहाँ विकास करेंगे और क्या कहते हैं, लड़कों के लिए बहुत सारी सुविधाएं देंगे। किस दल से है मुकाबला आपका? किस पार्टी से मुकाबला है? हमारा मुकाबला सपा से होगा। बीजेपी का यहाँ कोई नाम नहीं है। अच्छा, कैसे तैयारी कर रहे हैं? तैयारी हम बहुत अच्छी कर रहे हैं। जैसे क्या क्या क्षेत्र में क्या चुनाव का क्या वो है? चुनाव बढ़िया चल रहा है हमारा, हमारे साथ सपोर्टर भी बहुत। कैसे करते हैं प्रचार? कैसे करते हैं? घर घर जाके प्रचार करते हैं, महिलाओं को समझाते हैं कि हमको टिकट मिला है तो आपके लिए मिला है, महिलाओं के लिए मिला है। क्या महिलाओं के लिए क्या करेंगी आप? महिलाओं के लिए बहुत काम है, जैसे 3 गैस सिलेंडर फ्री देंगे और स्मार्टफोन मिलेगा, किसानों का पूरा कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, कोरोना काल का बकाया माफ। ये प्रियंका जी ने बहुत सारी ऐसी प्रतिज्ञाएं दी हैं कि जो पूरा करेंगी। अच्छा, विरोध भी हो रहा है बहुत आपका कि बाहरी प्रत्याशी या सही नहीं है, कुछ ऐसा? बाहरी प्रत्याशी नहीं है, हम यहाँ क्षेत्र के हैं। बाहरी आएंगे, चुनाव लड़के चले जाएंगे, हम हारे या जीते हम यहीं रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। और जो बाहरी हार जाएंगे तब भी चले जाएंगे, जीत जाएंगे तब भी चले जाएंगे। अब 9-10 लोग क्या कहते हैं डाले हैं फॉर्म, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा ना, सबको तो मिलेगा नहीं। काहे विरोध काहे कर रहे? अब वो उन्हीं जाने, हमें नहीं पता क्यों विरोध कर रहे हैं हमारा। हमको तो जनता को देखना है, जनता के लिए कार्य करना है। क्या आपके दिमाग में कुछ होगा कि अगर हम जनप्रतिनिधि बने तो कोई चीज यहाँ करेंगे? क्या है? हम यहाँ विकास करेंगे, रोडे सही करवाएंगे, गांव में नल नहीं है नल लगवाएंगे, और घर के लिए घर सही करवाएंगे लोगों को, गरीबों की मदद करेंगे पूरी। प्रियंका का कुछ असर हो रहा है उनकी प्रतिज्ञाओं का? बहुत असर हो रहा है, जनता बहुत खुश है प्रियंका जी के ऊपर। हाँ, कि इतनी प्रतिज्ञाएं दे रही हैं प्रियंका जी, जनता इसलिए बहुत खुश है। नई प्रत्याशी हैं, थोड़ा सा तो अटपटापन नहीं लग रहा है? एक बार हम चुनाव लड़ चुके हैं जिला पंचायत का, हमारा 2 नंबर था और रनर प्रत्याशी रहे हैं हम। अच्छा। इसलिए हमको प्रियंका जी ने सोच समझ के टिकट दिया। और यहाँ सब तो पुराने, वो क्या कहते हैं, नए थे और यहाँ के हैं भी नहीं कोई। और हम तो, हमारा विधानसभा यही है और हमारा गांव उस्मानपुर है। अच्छा, इससे पहले जो जनप्रतिनिधि रहे, विधायक रहे, तो क्या किया उन लोगों ने? उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। जहाँ जाओ, जिस गांव जाओ, शिकायतें मिलती हैं कि उस विधायक ने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, वो आएगा तो यहाँ से भगा देंगे उसको, यहाँ रुकने नहीं देंगे। हाँ। यही सब लोग बता रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ निर्मला चौधरी, जिनका साफ कहना है कि अगर जनता ने उन पर भरोसा जताया तो वो क्षेत्र का विकास करेंगे। बाराबंकी से ईटीवी भारत के लिए अलीम शेख।